गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग का व्यू दिखाती हूँ पहले, एट द व्यू हमारे होटल रूम से। इतना प्यारा सा है ये व्यू, वहाँ पे हम चढ़े भी थे। सो या इट्स लाइक अपना रूम दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसा गंदगी पड़ी है, बाबू सो रहा है, बेबू सो रही है। ये सामान मैं रूम टूर नहीं दे पाऊँगी बिकॉज ये बहुत गंदा है। ओके गाइज, वी आर ऑल रेडी टू हिट द मार्केट। आज हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। पिछली बार मैं आई थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं लेने दी गई थी, लेकिन इस बार मैं बहुत सारी चीज़ें लूँगी। और पीछे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। इस बार मौसी मौसी कहीं हमाओं का दिखाओ। और इस बार तो मैं पैसे भी लाया हूँ। इस बार तो बाबू पैसे लाया है, दीदी को शॉपिंग कराएगा, वो भी कराएगा। एक दिन आएगा वो भी कराएगा। ए, इसी से पैसा कमाऊंगी एक दिन। यही इससे महंगा वाला अच्छा टेस्टी बादाम खिलाना। प्लान में थोड़ा चेंज आया है, देखो सब आ रहे हैं पीछे धीरे धीरे। ए, तो प्लान में थोड़ा चेंज आया है और हम लोग शॉपिंग करने की बजाय धनसर आ गए हैं। यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ। और पता है भाभी बड़ी बुआ राखी दीदी ना एकदम तिरंगा लग रही है और ब्लू है भैया, पूरा ब्लू है भैया। पे मैं सिर्फ झरने की वजह से आती हूँ क्योंकि यहाँ का झरना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, लाइक माई बेबू। पहले जितना बना हुआ था, मतलब पहले जितना नहीं बना हुआ था, अब बहुत ज़्यादा बन गया। पहले तो बहुत कम बना हुआ था, अब बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो गई है। इधर से ढलान वाली जगह भी है कि अगर आप सीढ़ियाँ नहीं उतरना चाहो क्योंकि आपके पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है तो फिर आप ढलान से उतर सकते हो। यहाँ पर पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपको पानी की आवाज़ आ रही हो क्या, बिखर जाती है। मुझे यहाँ पे मतलब जम्मू आ रहे हो ना तो धनसर ज़रूर विज़िट की करो, मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। मैंने वाइट पहना है और अभी अभी छोला गिरा लिया है यहाँ पे, इसीलिए मैं वाइट कपड़े नहीं पहनती हूँ, बट अच्छे बहुत लगते हैं। बता तो दिया है क्या, तिरंगा। और अभी तिरंगे वाली फ़ोटो भी खींचेंगे। ओके गाइज, सी माई आउटफिट फर्स्ट। पूरा क्यों नहीं गई ना? स्टार्ट। यहाँ पे जो आपको ये पीछे आवाज आ रही है ना, ये पानी की आवाज है जो कि बहुत दूर से बह के आ रही है। वैसे भी मेरा ब्लॉग ही ऐसी कैसी गंदी से गंदा सा ब्लॉग बना है मेरा, और एंगल बिगाड़ रहे हैं लोग। इतना मत्था आपका इतना बड़ा क्यों है बेबू? इट्स अ लक ब्रो, इट्स अ लक, ये लक होता है। लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ गाइस। बस कुछ दिनों बाद ही बेबू हमारा नया चैनल चालू करने वाली है, बेबू द व्लॉग्स। ओ माय, guys, this place is so historical. चीटियां काट रही, नहा रहे हैं लोग लिटरली वहां। सोचा था इस बार नहाएंगे लेकिन नहीं नहा पाएंगे। सिर्फ इस वजह से मैं यहाँ आती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिखाती हूँ मैं आपको वो वजह। Only this is the place. Oh my God! Yay! What a baby! I love pani, love, love. मैं इतनी excited पिछली बार भी हुई थी। खून आ रहा है यार। बेबू को उठाओ, मैं बेबू के slippers पहन लूँ। अभी इस time बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। पिछली बार इतने लोग नहीं थे। मम्मी।
या हम लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी फोटोज ले ली है, नहा इस बार भी नहीं पाए, पहले तो मुझे लगा था धूप ही नहीं निकलेगी, बट मौसम बहुत अच्छा था, चाहते तो नहा लेते बट नहीं नहाया। बट या अगर आप कभी भी जम्मू आ रहे हो, कटरा आ रहे हो, तो यहाँ ज़रूर विज़िट करो। ऑटो वाले ने हमसे 800 रुपये लिए थे, सीज़न में ज़्यादा पैसे मांगते हैं, वैसे आपको 600-700 में भेज देंगे। 15 किलोमीटर दूर पड़ता है कटरा से, अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है तो बहुत अच्छा है, वरना नहीं भी है तो भी आओ पैसा लगा के यहाँ पे। सब ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे ना वो वाली कुर्ती लेनी है, बट यहाँ पे बहुत महंगी मिलेगी, इसलिए मैं मार्केट में ट्राई करूँगी। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बताएंगे, मुझे पक्का यकीन है इस बात का। कभी हमारा सपना नहाने का रह गया नहीं बेबो, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम पक्का रहूंगी, पक्का अगर आई तो। मैं कपड़े नहीं लेके आई थी, वो वजह आ गई, मतलब धूप निकल आई, माय बैड। गाइज आपसे एक अनुरोध है कि कहीं पे भी अगर गंगा जी, यमुना जी या कोई भी पानी बह रहा हो, प्लीज़ उसमें कपड़ा ना डालें, कोई पॉलीथीन ना डालें, क्योंकि उसको बहने में, उसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत गंदी हो जाती है। देखो कपड़े पड़े हैं, प्लीज़ ऐसे, मतलब कहते हैं ना ऐसे बहा देना, ये सब मत करो, उसे गाड़ दो मिट्टी में, बट ये सब मत करो। अभी बारह देवी मंदिर के हमारे वो हो गए, अब मैं रख रही हूँ भाई, यहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कोई बात नहीं, कर लो, अच्छे से पोस्ट देता हूँ। हटो हटो, गाइज ये गाइज हम किसी का फन नहीं कर रहे हैं। बापू के स्कूल में एक टीचर है, वो ऐसे चलता है, ये किसी का भी फन नहीं कर रहे हैं, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। इसे क्या कहते हैं, ये जो टंगा हुआ है, ये से शॉल जैसा, लड़कियों की चोचले नहीं, इसे कहते पोंचो, पोंचो या जैसे रैंचो होता है ना वैसे पोंचो। गाइज हम लोग शॉपिंग करने के लिए तो बहुत सारी गए थे, लेकिन मुझे मेरी कुर्ती नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत 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 महंगी थी। जो 800-900 की मिलनी चाहिए वो 1400 की थी, और जो 1400 की मिलनी चाहिए वो 2100 की थी। बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे के लिए, और राखी दीदी ने 200 की वो ली है डॉल, और मैंने पता नहीं कितने 100 की है, गई। लेकिन मैंने सोचा था मैं व्लॉग करूंगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं ऐसे चलते चलते थक गई और एक बार भी फोन नहीं उठा पाई। अब हमारी 7 बजे की ट्रेन है, और अभी 5:15 हो रहा है, और अभी तक हम यहीं पे हैं, हमें 2 घंटे की ड्राइव करके जाना है, और ट्रेन हमारी 6:00 से चलती है। कपड़े भी चेंज करने, ऐसे बताशे खिलाए, ऐसे बताशे खिलाए कि छोटू और मुझे टट्टियां आने लगी। मैंने तो खाए भी नहीं है, और इतने बेकार बताशे, यू यही भूखे थे, पानी पानी डाल दिया उसने लिटरली बताशे के अंदर, समोसा भी ठंडा ही था। शक्ल देख के मेकअप नहीं लगा सकते थे, लिपस्टिक लगाना भूल, लिपस्टिक नहीं सीख पाओगे, जिस दिन तुम ये सीख गए उस दिन हम समझ जाएंगे तुम पढ़ी लिखी हो। नहीं तुम मत समझो। गाइस पारुल का व्रत क्या टूटा है, हम लोगों को गेट पे बैठा के पता नहीं क्या क्या करवा रही है, रात के बज रहे हैं 10 और पी रही है 7 अप, डर के आगे जीत है। ये ड्यू का है, तुम किसी और की लाइन नहीं चुरा सकती हो। 7 अप, अप हो जाओ, 7 अप पियो और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। वॉल की लाइट बुताम हॉल, लेकिन आज सब बाहर बैठे। डरी नहीं तू? लाइट जला दे यार, हाय राम, गर्मी में हमें लगा कि ये डरेगी, लेकिन ये डरी नहीं, ये डरपोक नहीं है ना। ये मुझे ये प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा था, वो भी पार्टी कर रही थी 2 दिन बाद गई थी गाइस। आज व्रत टूटा है ना लड़की का हमारी, आज मैं 2 दिन बाद पार्टी गई, लेकिन इन लोगों ने मुझे वो भी सुकून से करने नहीं दिया। बदबू ऐसी बोल रही थी इसकी बॉडी।
गाइस हमारे खेती में फूल उगाए देखिए हमारी नहीं, हमने जो फ्लावर्स लगाए उसमें हमारी इनकी खेती में। लगता है कि इस लैब में बैठे बैठे आधी जिंदगी निकल जाएगी, क्या कहती हो पाती? आधी जिंदगी कुछ ही दिन बचे हैं लैब में बैठे के। लैब में अपनी मुझे जिंदगी गुजारनी है भगवान, बस मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए और कुछ नहीं। बस ऐसे बैठे बैठे मस्त एसी होए, बस एक एसी, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, खूब सारा पैसे और हर महीने 1 लाख ज़्यादा नहीं मान ले स्टार्टिंग में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक एसी, बहुत अच्छा सा कैबिन, रिस्पेक्टफुल जॉब, दैट इज इट। बाकी आगे क्या होगा पता नहीं, हमारा दुख कभी कम नहीं हो सकता प्रभु, कब सुन गया। देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया आया। एक कुछ नहीं बोलेगी जो वीक के एली होगा, जो कुछ नहीं बोलेगा, बोल दो जल्दी। दिस इज माय सेक्सी बैग, दिखा। गाइस बहुत दिन बाद नित्या मिली है आज पारुल और मुझे। दिस इज माय सेक्सी बैग। ओह माय गॉड, आई एम द सेक्सीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। अरे अरे ये सब डलेगा, ये मेरे व्लॉग में जाएगा नित्या, ये सब व्लॉग में जाएगा बड़े वाले में। अच्छी लग रही, मुंह दिखा तनक, तनक मुंह दिखाया हो शिवानी कुमारी एक बार, नित्या प्लीज शिवानी कुमारी। पारुल शिवानी कुमारी दांत दिखा रही थी तुमने, देख लिया सबने।